ये मेरा दिस इज माई थर्ड रेस्टोरेंट विच आई हैव डिजाइंड. इट्स कॉल्ड सैंचोज एंड टुडे इज द ओपनिंग नाइट एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर विद अस टुडे हु आई हैव टू इम्प्रेस एंड आई होप यू आर इम्प्रेस्ड टुडे. या मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ, जितने रेस्टोरेंट ये खोल रही है मुझे फ्री खाना मिलता है वहाँ पे, सो मेरे लिए बहुत अच्छा है. सो अभी ये मैक्सिकन हो गया, इससे पहले भी जो था, और एक कौन सा पुणे में अर्थ इन बॉम्बे अर्थ पुणे ऐसे रेस्टोरेंट खोलती रहे, फिर हम लोग भी यहाँ पर आके सबके सब जो है अगली पार्टी हम यहीं करेंगे. तो आई होप इट्स अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट है ये एंड द शेफ हैज डन अ वंडरफुल जॉब एंड इट्स द रेस्टोरेंट इट्स स्पेशल बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फूड I think the indoor-outdoor vibe of the space, I think it's going to be very warm, inviting. And in Bombay, people love to go out, you know, be outdoors more than just staying in, you know, cooped up in their homes and stuff. So I think this place is just to relax and just, it's more like a day restaurant. And I hope everybody enjoys the space we've designed and I hope you like it. I like it. Lovely. So. Yaar, mujhe bahut acha laga. Main yahan tha pehle bhi. बट इसका जो खुलापन है मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका जो बाथरूम है वो बहुत अच्छा है. मैं जेन्युइनली अच्छा है और मुझे मैक्सिकन रेस्टोरेंट वैसे भी पसंद है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और घर के पास है तो मैंने जैसे कहा हमारे जितने भी अब मीडिया इंटरेक्शन होंगे यहीं करेंगे हम लोग. इनको अलाउड नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए. ओनली द रेस्टोरेंट व्हिच आई हैव डिजाइंड ही हैज टू ओनली विजिट दोस. So that's the rule of our home. हाँ जब time मिलेगा तो अभी तो my hands are full, very busy. जब मेरे पास time होगा तो 100%.